कोई कुछ बोलेगा कि ब्रो जी हमारा जॉब तो 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा होता है, तो रहो एग्जैक्टली 24 आवर्स, उधर माइनस हो गया 10 घंटा गया 14 घंटा गया, उधर ही माइनस हो गया ब्रो जी, फिर कैसे कहाँ का 24 आवर्स? यस, कहाँ का 24 आवर्स की बात कर रहे हैं आप? यस, सो दस वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये बात समझनी है कि अगर कोई व्यक्ति इस भावना के साथ अपना जॉब कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है, पहले मंगलाचरण करता है, मंगलाचरण करने के बाद जो है वो व्यक्ति सोचता है कि ये इंद्रिय मुझे कृष्ण ने दी है और ये जॉब भी मुझे कृष्ण ने दिया, तो मैं इन इंद्रियों को जो है कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता हूँ और इसका जो फल स्वरूप होगा उसके साथ भगवान का आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे और नगर संकीर्तन कराएंगे और प्रोग्राम्स कराएंगे, और अगर इस भावना के साथ हम लोग कार्य करते हैं देन इवन अवर जॉब इज सुकीर्तन, हमारा जॉब भी वो सुकीर्तन हो जाता है। तो इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल टू बी 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, अगर 24 घंटे में कृष्ण भावना में बनना है तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ये हो सकती है।